हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी यहाँ पे कोटा रेलवे स्टेशन में हूँ। मैं तो चलिए आज का जर्नी मैं स्टार्ट करता हूँ कोटा रेलवे स्टेशन से। तो आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं कोटा रेलवे स्टेशन से लेकर खाटू श्याम मंदिर तक। तो चलिए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। ट्रेन भी लग गया है प्लेटफॉर्म पे। मेरा तो जनरल टिकट है, तो चलिए आप खोजते हैं जनरल टिकट कहाँ पे है। जनरल सीट सबसे आगे बोगी पे है, तो चलिए अब देखते हैं जनरल टिकट। 45-5 मिनट बचा हुआ है, उसके बाद फिर खुल जाएगा। 19807 5 मिनट और है, उसके बाद खुल जाएगा ये ट्रेन। अब एसी वाला में ही चढ़ना पड़ेगा, सबसे आगे में है। तो चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं पकड़ पाते हैं कि नहीं। यार पूरा तो भरा पड़ा है एसी में भी। जनरल टिकट है, स्लीपर में चढ़ जाते हैं। अब फिर देखते हैं क्या होता है। स्लीपर में चढ़ जाएंगे, रात में भी टीटी आएगा तो बोल देंगे जल्दी जल्दी में चढ़ गया। स्लीपर तो खाली है, चलो स्लीपर में ही चढ़ते हैं। अभी मैं नहीं आता इधर तो फिर ट्रेन छूट जाता, पर मेरे को पहले आना चाहिए था। यहाँ यहीं से ट्रेन खुलती है, फिर भी मैं लेट कर दिया। पहले आता तो जनरल टिकट लेने से वह मिल जाता सीट मेरे को जनरल। तो चलिए अब यहीं पर चढ़ते हैं और देखते हैं। अभी और लंबा रास्ता से सफर करना तय करना है। कंफर्म टिकट नहीं होने पे इसी तरह होता है, इसलिए जब भी जाएं कंफर्म टिकट होना चाहिए, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है बाद में। तो वैसे तो रात में मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं सीट, तो सो ही जाना है कहीं पे। तो फिर भी एक वेटिंग में है तो जनरल में है ना, तो जनरल वालों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्या करें। चलो इसी में बैठते हैं। सुबह तो 5 बजे उतर ही जाना है। रिंगस रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर दूर है यहाँ पे खाटू श्याम मंदिर, जो मैं अभी यहाँ पे आ चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पे नहाने का सुविधा भी है, और नहाने का सुविधा भी यहाँ पे, और कपड़ा और बैग भी यहाँ पे रख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। और यहाँ पे जैसे झारखंड में रजप्पा मंदिर है ना, वैसे ही यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है और काफ़ी भक्त लोग आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे झंडा उंडा सभी आप लोग यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नहाने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे भक्तों का, चारों तरफ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं झंडा ही झंडा, और यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नहाने के लिए, ढूंढते हैं। चलिए सबसे पहले और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं श्री श्याम शरण लिखा हुआ है यहाँ पे खाटू जी का ऊपर में। तो यहाँ से मंदिर अभी आधा किलोमीटर दूर है, जो कि यहाँ पे श्री श्याम शरण ही है। यहाँ से अभी आधा किलोमीटर मंदिर दूर है, तो मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। और बैक कैमरा से यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये आप देख लीजिए, ये एंट्री पॉइंट है यहाँ पे श्री श्याम शरण जी का, यहाँ पे खाटू श्याम जी का। तो चलिए अब यहाँ से अंदर चलते हैं। नहीं नहाया नहीं हूँ मैं अभी। तो चलिए अब चलते हैं आगे नहाने के लिए, उसके बाद फिर चलते हैं खाटू श्याम जी का, फिर दर्शन करते हैं। यहाँ पे काफी लोग आए हुए हैं और यहाँ पे
मस्ती के साथ घूम रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना मस्ती के साथ यहाँ पे घूम रहे हैं, नाच रहे हैं सारे को। तो चलिए अब चलते हैं, हम भी निकल चुके हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे एक लाइन से जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, थोड़ा सा दूरी में ही है श्री खाटू श्याम जी का मंदिर। तो चलिए अब चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो यहाँ का आप देख सकते हैं सभी को, यहाँ पे जा रहे हैं मंदिर और अपना जो झंडा उंडा लेके सभी को जा रहे हैं। मैं तो ये फूल लेके जा रहा हूँ यहाँ पे भगवान को चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे झंडा लेके जा रहे हैं। अब यहाँ इस तरफ है मंदिर, तो चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे अब कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं मंदिर, तो चलिए मंदिर के दर्शन में आप लोगों को दिखाते हैं। और यहाँ पे जो राधे राधे दिखाते हैं वो 20 रुपये में लिखता है, तो आप लोग आके देखवा सकते हैं यहाँ पे। और सब सोच रहा होगा कि अभी तो फिलहाल चलते ही जाना। यहाँ से मेन द्वार है बाबा यहाँ से फिर। ये श्याम कुंड है जो यहाँ पे कुआं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पे कुआं है नहाने के लिए, यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है श्याम कुंड। यहाँ पे नहाने के लिए जगह दिया गया है श्याम कुंड के नाम से, जाना जाता है यहाँ से। चलिए चलते हैं बाबा जी का दरबार की तरफ। यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ से लाइन बाय लाइन होता है दर्शन करने के लिए। जय श्री श्याम। तो यहाँ पे सभी को निकल रहे हैं लाइन लाइन से, एक ही कतार पे जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ से अब यहाँ पे मंदिर का अब एंट्री हो चुका है यहाँ पे। Papa!
तो चलिए अब दर्शन हो गया है, आप लोगों को भी दर्शन कर लिए होंगे। और तो चलिए मैं आगे आप लोगों के बारे में बताता हूँ कि खाटू श्याम जी के बारे में कुछ विस्तार से बताता हूँ। तो चलिए अब मैं आगे आप लोगों को खाटू श्याम जी के बारे में बताता हूँ। जो महाभारत शुरू होने से पहले श्री खाटू श्याम जी का नाम बारबरीक था और वो घटोत्कच के पुत्र थे। वो बहुत ही शक्तिशाली थे और उनको वो जब शिव की आराधना कर रहे थे तब उन्हें शिव जी ने 3 बाण दिए थे। और उसके बाद फिर वो पार्वती जी की आराधना करने लगे तो पार्वती जी ने 1 उसे धनुष दिया था और 3 बाण ऐसे दिए थे कि वो पूरा दृश्य पूरा धरती को नष्ट कर सकते थे। वो ऐसा बाण था वो, इस कारण से वो महाभारत में युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। जब खाटू श्याम जी को पता चला कि महाभारत का युद्ध होने वाला है तब वो उन्हें भी लगा कि मैं भी युद्ध में शामिल करूंगा। तो वो अपने माता पिता के पास गया पूछताछ करने के लिए, पूछने के लिए कि मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा युद्ध में। तो उसके माता ने पूछी उससे कि तुम किसके तरफ से युद्ध करोगे। तब खाटू श्याम जी ने बोले कि जो हारता रहेगा उसके तरफ से मैं युद्ध करूंगा। तो उसके माता ने उत्तर दिए उस पर कि जब एक दूसरे के तरफ से तुम युद्ध करोगे तो कोई विजेता नहीं होगा। तो इस वजह से इसी कारण से वो खाटू श्याम जी ने युद्ध में शामिल। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ।